नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। चलते अपने रिपोर्टर के पास। तो अंकित जी, बताइए हमारे दर्शकों को आज के मौसम के बारे में। तो आइए देखते हैं हरियाणा का मौसम। जी हां दोस्तों, बात करें यदि हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा और फतेहाबाद जिले की, तो आपको बता दें कि 9 और 10 नवंबर को इन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर सुबह के समय हल्का कोहरा और दोपहर और शाम के वक्त बादल आवाजाही इन जिलों में देखने को मिलेगी, जबकि 10 नवंबर को हल्की बूंदाबांदी कुछ एक स्थानों पर इन जिलों के अंदर देखने को मिल सकती है। हवा की गति मंद रहेगी और दिन के समय अधिकतम तापमान 28 या 29 डिग्री, जबकि रात के समय न्यूनतम तापमान 15 या 16 डिग्री सेल्सियस बना रहने की संभावना है। अब देख लेते हैं हरियाणा के हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और जींद जिले को। आपको बता दें कि इन जिलों में 9 नवंबर को मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन शाम के वक्त बादल आवाजाही इन जिलों में भी कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेगी और 10 नवंबर को यहां पर भी हल्की से मध्यम बारिश कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकती है। 9 नवंबर की सुबह पर हल्की धुंध कोहरा इन जिलों में देखने को मिलेगा, लेकिन 9 नवंबर को यहां पर बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। हवा की गति मंद रहेगी और दिन के समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री, जबकि रात के समय न्यूनतम तापमान 15 या 16 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। अब देख लेते हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिले को। जी हां दोस्तों, इन जिलों के मौसम में भी लगातार 2 दिन परिवर्तन देखने को मिलेगा। 9 और 10 नवंबर को यहां पर भी कुछ स्थानों पर आकाशीय बादल और हल्की छिटपुट बूंदाबांदी इन जिलों में देखने को मिल सकती है। यहां पर भी हवा की गति की बात करें तो हवा की गति मंद रहेगी और दिन के समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री, जबकि रात के समय न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। तो ये थी हरियाणा वासियों के लिए 9 नवंबर मौसम की जानकारी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।